हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदनान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बायो मेंटोर। इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन वॉच मोर अपकमिंग वीडियोस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर वन। First of all, we will discuss what is biological method. सबसे पहले हम discuss करते हैं science को। Science basically क्या है? Science is a systematized knowledge है, ठीक है? Science में है different जो है different sciences की तरह biological sciences में भी different methodologies use होती हैं, ठीक है? और ये methodology जो है वो base करती हैं experimental inquiry पे, ठीक है? इफ इट ऑलवेज बिगन विद द चांस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमेशा जो है बायोलॉजिकल मेथड जो है या जो है बायोलॉजिकल क्वेश्चन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑब्जर्वेशन से। जब भी साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उनके माइंड में एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है? बायोलॉजिकल क्वेश्चन क्या है? बायोलॉजिकल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी साइंटिस्ट के माइंड में या खुद से आए या किसी भी कोई भी जो है वो किसी दूसरे शख्स की वजह से जो है उसके माइंड में क्वेश्चन आए नेचर के मुतालिक, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल जो है वो क्वेश्चन, और बायोलॉजिकल क्वेश्चन या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है? जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेथड। अब नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हम डिफरेंट स्टेप्स हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑब्जर्वेशन। जो पहला स्टेप है इसका बायोलॉजिकल मेथड का वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो भी क्या उसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड है, ये स्टार्ट कैसे होता है? एक चांस ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है? ऑब्जर्वेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन हम करते हैं जी, हमारे फाइव सेंसेस हैं, हम उनसे क्या होती है हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। फाइव सेंसेस है, विजन है, ठीक है, हेयरिंग है, ठीक है, उसके बाद लिसनिंग है, हेयरिंग लिसनिंग सेम हो गया, उसके बाद जो है वो टच रिसेप्टर्स हैं, ठीक है? मतलब ये फाइव जो हमारी सेंसेस हैं हम उनसे क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो है क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं। क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मीन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मीन क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव मीन क्वालिटी वाइज। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वांटिटेटिव, ठीक है? ये देखें इसमें जो है ये यूज़ किया हुआ है कि जो ऑब्जर्वेशन कौन सी हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैं वो क्या हैं? मोर एक्यूरेट होती हैं किन की निस्बत? क्वालिटेटिव के, ठीक है? ये क्यों जो है मोर एक्यूरेट होती हैं? क्योंकि जो क्वांटिटेटिव होती हैं ये जो है हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं किस फॉर्म में? डेटा की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? और ये इनवेरिएबल होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज हमने क्वांटिटेटिव जिक्र किया, फिर हमने क्वालिटेटिव। अब अगर हम इनकी एग्जांपल देखें क्वांटिटेटिव की और क्वालिटेटिव की, सबसे पहले हम क्वालिटेटिव का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वालिटेटिव क्या है। क्वालिटेटिव में देखें कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी वाइज अगर हम देखते हैं, बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है? कोल्ड है, ठीक है, ठंड है। तो इसका मतलब ये कि हम क्वालिटी हमने जिक्र की, लेकिन अगर हम इसी को हम अगर हम क्वांटिटी वाइज डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं कि जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो जीरो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट स्टेप इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जब हम डिफरेंट जो है डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को किस में कन्वर्ट करता है? डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उस बैकग्राउंड नॉलेज में क्या करता है? एक स्टेटमेंट देता है। उन जो इवेंट जितने भी इवेंट्स होते हैं जो उसकी ऑब्जर्वेशन के इवेंट हैं उसकी बेस पे एक स्टेटमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशंस इन डेटा फॉर्म एंड गिव अ स्टेटमेंट ऑन बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट्स, ठीक है? नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या होता है? आरसी जो एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ ऑब्जर्वेशन।
टू वेज ऑफ फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, हम जो है आर हाइपोथेसिस दो तरह से बना सकते हैं, एक हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, और दूसरे इंडक्टिव। सबसे पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग डिस्कस करते हैं। ये जो है डिडक्टिव रीजनिंग ऑलवेज मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, किससे, जनरल प्रिंसिपल से। कुछ जनरल प्रिंसिपल से हमारा स्पेसिफिक कंक्लूजन्स ड्रॉ करने का नाम क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में इस लॉजिक में क्या यूज़ होता है, ये इफ़ एंड देन यूज़ होते हैं। अगर हम इफ़ एंड देन के हवाले से मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो ये होगी कि इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड ऑल स्पैरोज आर बर्ड्स, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स। ठीक है, अगर हम ये देखें कि सब बर्ड्स के पास क्या होते हैं जी, जो क्या होते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं उनके पास पर होते हैं, विंग्स होते हैं, तो इस तरह जो है स्पैरोज है, स्पैरोज भी क्या है, एक बर्ड है, तो जितने भी स्पैरोज हैं उनके पास भी विंग्स जो है वो होने चाहिए। इस चीज़ का नाम क्या है जी, डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट इज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं उनसे हम जनरल कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं। इट बिगन्स विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से कहाँ पे आते हैं, जनरल प्रिंसिपल की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज सम अदर वेज टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस। अगर हम इसमें इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें, इंडक्टिव रीजनिंग में भी वो डेफिनेटली वही इफ और देन की बात करते हैं, तो इफ और देन में क्या होता है, हमने क्या कहा यहाँ पे, हमने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आना है। तो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जब हम आएंगे तो इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है, इफ वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स, मतलब जितने भी स्पैरोज हैं उनके पास, उनके क्या हैं, विंग्स हैं और वो बर्ड्स हैं, देन ईगल्स, हॉक एंड पैरट, ये भी सारे क्या हैं, बर्ड्स हैं, तो इन सब के पास भी क्या होने चाहिए, विंग्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का नाम क्या है जी, इंडक्टिव रीजनिंग। अब कुछ और मेथड्स हैं इसके हाइपोथेसिस ड्रॉ करने के। हाइपोथेसिस किस तरह से बनाए जाते हैं, कुछ और सिंपल मेथड्स हैं। सबसे पहले इमेजिनेशन, कोई भी इंसान है उसके इमेजिनेशन है कुछ, तो वो क्या करता है, कोई हाइपोथेसिस क्रिएट हो जाती है। एस्थेटिक प्रेफरेंस है, रिलीजियस आइडियाज़ हैं, कुछ मजहबी आइडियाज़ होते हैं, कंपेरिजन एंड एनालॉगी विद अदर प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ अदर डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो न्यू जो है वो हाइपोथेसिस बन जाती हैं। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स। इसमें ये होता है कि हम किसी एक चीज़ पे काम कर रहे होते हैं लेकिन जो है हम एक चीज़ को डिस्कवर हो जाती है लेकिन हम काम किसी दूसरी चीज़ के लिए कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज थ्योरी। थ्योरी अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट विच इज़ देन कॉल्ड अ थ्योरी। जब हम हाइपोथेसिस, डिफरेंट हाइपोथेसिस होती हैं, हाइपोथेसिस क्या होती हैं, मज़ी बार बार जो है वो टेस्ट की जाती हैं बाय एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। ठीक है, लेकिन जब वो थ्योरीज जो हैं वो जो हाइपोथेसिस जो है वो बार बार टेस्ट के बावजूद जो है वो गलत नहीं होती, तो देन वो क्या बन जाती है, थ्योरी। अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट। ठीक है, रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट इज देन कॉल्ड अ थ्योरी। अ गुड थ्योरी इज प्रिडिक्टिव एंड हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर। इसमें क्या होता है जी, एक थ्योरी जो है वो प्रिडिक्टिव होनी चाहिए और उसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होनी चाहिए कि वो जितने भी हम उनको एक्सप्लेनेशन है, मतलब उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि वो जितने भी हमने उसमें पॉइंट्स हैं तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ क्या होता है, जब ये थ्योरी जो है, अब जब डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं इस थ्योरी को क्या लेते हैं, एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं और मज़ीद जो है वो टेस्ट, वो चाहते हैं कि ये जो थ्योरी है ये गलत हो। ठीक है, अब वो मज़ीद जब टेस्ट करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, मज़ीद उसे प्रोसेसिंग किया जाता है, तो ये जो थ्योरी है अगर उसको सपोर्ट कर जाए, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट को, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट कर जाए, तो ये थ्योरी क्या बन जाती है, साइंटिफिक लॉ बन जाती है, अगर इसको कोई भी गलत प्रूव ना कर सके। साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। इट इज़ वर्चुअली एन इरिफ्यूटेबल थ्योरी। इरिफ्यूटेबल थ्योरी मतलब कि कोई भी इसको जो है वो इग्नोर ना कर सके, कोई भी इसको गलत ना कर सके। ठीक है, साइंस में जो है, बायोलॉजी में जो लॉ है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है,
इसमें कुछ जो लॉ है हमने एग्जांपल दी हुई है, हार्डी वेनबर्ग लॉ है, ठीक है, और मेंडल लॉ है, मेंडल लॉ जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो जो लॉ है वो इसमें बहुत ज़्यादा कम है। थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मेथड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।